नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कामले, जब तक वो नहीं मिलते तुम एयरपोर्ट से नहीं हिलोगे, इज दैट अंडरस्टूड? रेलवे स्टेशन पर 25 आदमी और लगा दो, मुझे वो चारों चाहिए किसी भी हालत में। जब तक वो चारों पकड़े नहीं जाते, नाकाबंदी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ये चारों जा कहां सकते हैं? क्या गाड़ी मेंटेन की है सब आपने? जबरदस्त। उसके नहीं है, उसके बाप की है। ये चल ले। अरे बामन, इसको बांध के रख यार। चलाने नहीं आती गाड़ी में? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो देख अपने बाप लोग। मेरा डिटेक्टिव दिमाग ये बोलता है कि वो इंस्पेक्टर ने ये नाकाबंदी हम लोगों के लिए लगाई है, 100%। तो अब क्या करें? प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, जंगल से होता हुआ आगे सीधा हाईवे पे मिलता है। डोंट वरी, घुमाने वाले गाड़ी घुमाने। थैंक यू। Oh shit. पापा मुझे ठोक देगा मालूम। अबे भालू को बचाने के चक्कर में गाड़ी ठोक गई यार। तूने दोनों हेडलाइट तोड़ दिए, 18,000 रुपए का खर्चा है। रोता काहे को यार, हम लोग तीनों 6,000 रुपए मिला के दे देंगे तेरे को यार। हाँ, लेकिन तीनों मतलब हम लोग तीनों ना, 1, 2, 3 और मानव। अरे हम लोग दोनों तो एक ही यूनिट है यार, हम लोग अलग थोड़ी है। हाँ, बचपन से भाई है। ऐसे कैसे क्या बचपन से भाई? कौन सच्ची बोल रहा है? पापा मुझे मार देंगे। हम लोग तीनों मिलके 6,000 रुपए तेरे लाइट के लिए भर देंगे, ठीक है? छोड़ना यार। क्या छोड़ना, अब पूरी रात इस गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी मेरा लाल। मेरे पास एक आइडिया है, ये मैंने माचिस निकाली, ये मैंने आग लगाई और हुआ उजाला। ये उजाला उजाला मानव, जब मैंने ट्राई किया था सब जल रहे थे। मेरे पास एक और आइडिया है, आज रात हम यहीं सोते हैं। Adi, you're so clever, you're so clever. Thank you. Mama would be so proud of you. What do you mean, boss मर गया? ये सब हुआ कब? सर कल शाम को सर। कल शाम को हुआ? तुम मुझे अब बता रहे हो? सर मेरी बात। Shut up! कल शाम से लेकर अब तक क्या कर रहे थे? सर आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। Shut up! ये सब हुआ कैसे? सर शायद आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वर्क में प्रॉब्लम है। यू नो, बॉस का जिंदा पकड़ा जाना हमारे लिए कितना जरूरी था। गई गई गई, करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन गई, जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, सब चौपट कर दिया तुमने। मेरा भी नुकसान हो रहा है सर, 10 साल इस केस के पीछे आपने मेरा भी प्रमोशन रोक के रखा है सर। Shut up! तुम्हें प्रमोशन की पड़ी है? प्रमोशन की? 10 साल से मैं बॉस के पीछे पड़ा हुआ था। आप नहीं सर, मैं। लगाया किसने? आपने सर। जाना पड़ेगा भैया, अब यवतमाल जाना पड़ेगा। क्यों सर, यवतमाल कहाँ है सर? वहां पहुंचोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। मिल जाएगा भैया, कल तक में है ना, तुम्हें मिल जाएगा। ये क्या है सर? तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हें कल तक मिल जाएगा। नो, गेट आउट। सर, सर, गेट आउट। 10 साल ईमानदारी की नौकरी करने का ये साला मिला। कौन है आप? नारी हूँ, नारी छू। नारी? हाँ। तुम तो पुरुष लगता है। हाँ? अरे कॉन्ट्रैक्टर, नारी कॉन्ट्रैक्टर नाम से मारो। वो मेरा नालायक दिख रहा, मेरे जिगर के टुकड़े को लेकर भाग गया, उसका कंप्लेन लिखाने आया। ये तो गाड़ी है। तुम्हारे वास्ते गाड़ी है, पर मेरे वास्ते तो मेरा जिगर का टुकड़ा है ये, और ये मेरा नालायक बेटा बोमन, जो अपने 3 हरामखोर दोस्तों के साथ इसको चुरा के भागा। ये बोमन,
ये तुम्हारा बेटा है? हाँ बाबा। और ये गाड़ी लेके भागा है? अरे मारे जिगर का टुकड़ा लेके भागा। कबीर बैक इन बिजनेस। Why you stop? Oh shit! अब क्या करेंगे? Simple. गाड़ी जम करानी पड़ेगी. जम कराएंगे. I'm serious. Shut up! तू पागल हो गया? चल वापस हाईवे चलते. Come on everyone now. Come on. वापस जाएंगे तो इंस्पेक्टर और तेरा बाप मिलेगा. और गाड़ी पार करा ली तो मॉल मिलेगा मॉल. लेकिन लेकिन ये ब्रिज. डोंट वरी ड्यूड, मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है. कैसे? देख, ये टूटा हुआ पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 9 फुट का होगा. राइट अगर हम लोग 81 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ. यू आर राइट. मैं भी डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूं. पीस ऑफ केक. ये रही गाड़ी, ये रहा स्पीड और ये रहा एंगल. अब डिस्टेंस है 20 फीट, स्पीड होगी 120 किलोमीटर. परफेक्ट, गुड. तुम दोनों पागल हो चुके हो, फालतू की बातें कर रहे हो. गाड़ी उस पर नहीं जा सकती है, मैं बोल रहा हूं तो शट अप. ट्रस्ट अस. ओके, लेकिन बस ओके, चिल बॉय. Adi, you are so smart. Thank you. Thank you. Oh, wow. What a jump, man. Your calculation was right. Thanks, man. Teri to thuk gayi. Bhavan, mere bhai. अरे सुन यार, अरे लेकिन हमारी बात. अरे इतना क्या भड़का? तुम दोनों की वजह से गाड़ी टूट गई. ये मेरे बाप की गाड़ी है, तेरे बाप की नहीं. पापा मुझे जान से मार देगा. बस कर यार, हम लोग तो वो 6,000 दे रहे थे ना, उसमें 5,000 और ऐड कर ले. सिर्फ मटगाड़ी गया ना, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को इतना. जैसे तेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई हो. पापा अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? तेरी गाड़ी आधी तो मर चुकी थी, आज उसका अंतिम संस्कार भी हो गया. तुम मर रही हो. कौन तुम्हारी यार? गाड़ी देख के तो पप्पा भी मर जाएगा, है ना? Promise. I swear. रात को 1 बजे गाड़ी यहाँ से निकली थी सर. नो सर, मैं रात से यहाँ से हिला नहीं हूँ सर. ये गाड़ी यहाँ से पास नहीं हुई. अरे वो लोग टोल नाका से निकले, यहाँ नहीं पहुंचे तो गए किधर? सर सब बीच में एक कच्चा रास्ता है जो आगे जाकर हाईवे पे मिलता है. वोए, वोए। अरे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। आदि ये तू कहाँ ले आया यार? अरे बिलीव मी, मैं गोवा के सारे शॉर्टकट जानता हूँ. अरे ये कौन सा शॉर्टकट है? शॉर्टकट है 50-60,000 झाड़ क्रॉस करो, 2-4 नदियां क्रॉस करो, बैंग यू ऑन हाईवे बॉस. तू झाड़ गिन रहा है ना? झाड़ को बमन चुप कर यार. अरे मैंने नहीं निकाली यार. क्या? तू ये क्या कर रहा है? लेस बांध रहा ताकि तेज भाग सकूं. तेरे को क्या लगता है तू शेर से तेज भाग सकता है? पागल हो गया क्या? शेर से तेज किसको भागना है? मुझे तो सिर्फ तुम तीनों से तेज भागना है.
फ्रिज तो टूटा हुआ है। अरे मारो दी करो, मारो दी करो, अरे मारो दी करो, अरे कभी नहीं मेरे दीकरे को मार डाला, मारो दी करो, मारो दी करो। कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की, मैं उस हराम खोर को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कमों को खिला दूंगा। ए आदि। हाँ। रोड कब आएगा यार? रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओके आ गया। रोड आ गया? नहीं डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हां तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शट अप। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग, हम घर चले जाएंगे, जानूम चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी है। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ? अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर चल, आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ। मुझे पता है ना। आई नो इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्केर्ड? इट्स ओके। ओह बच गए, ही सेव्ड। अब मेरी बारी है। करेक्ट। यस। ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में। राइट। अबे मरेगा। हादी, ही इज नॉट सो स्मार्ट। रॉय, बहुत हो गया। मरने से पहले बोस ने क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। मैं बताता हूँ। चुप। शट अप। मुझे अपनी जान प्यारी है।
सर मैं बताता हूँ, वो बॉस ने मरते वक्त कहा था कि 10 करोड़ रुपए उसने चिपलून के मेन चौराहे से 40 फुट दूर चीकू के पेड़ के 4 फुट नीचे गाड़ के रखे है। चिपलून चिपलून धोखेबाज़ हो, मक्कारो, ये ब्लडी बास्केट। तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, तुम लोगों ने बोला कि वो आदमी ने वो 10 करोड़ रुपए गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में किसी डब्ल्यू के नीचे छुपा के रखे। तुम लोग दोस्ती के नाम पे कलों को चीटा कॉक्स। बस मानव बस, अरे थैंक यू मानव, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक प्रपोजल है। देखिए वो पैसा हम लोग आपस में बांट भी तो सकते हैं ना, सारा पैसा आप सरकार को दे देंगे, आपको क्या मिलेगा? करेक्ट, 10 साल ईमानदारी की नौकरी करने के बाद क्या मिला मुझे? हाँ, यवतमाल में ट्रांसफर, इसीलिए वो 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में नहीं, मेरी जेब में जाएंगे। एक बात और, तुम रोज मौत का खेल खेलते हो ना, एक गेम मेरे साथ भी हो जाए। भाई साहब किधर जा रहे हैं? अरे छोड़ के जा, अरे यार, अरे हेलमेट। मानव तो हंस क्यों रहा है? वो इंस्पेक्टर क्या चप्पू है, स्टूपिड, गला बांधा, हाथ बांधे, पैर तो बांधे ही नहीं। चल गोवा चलते, लेट्स गो। अबे रुक, क्या तू गार्डन में घूमने आया? सीधे खड़े रहे वरना चारों मारे जाएंगे। चारों? ऑफ कोर्स चारों मारेंगे। तेरे गले में जो फंदा है ना, वो सीधा जार के उस तरफ क्रॉस करके बमन के गले में, और मेरे गले में जो फंदा है ना, वो जार के उस तरफ क्रॉस करके सीधा रॉय के गले में। हम चारों में से कोई भी हिलाना तो चारों मारेंगे। वाओ आदि, यू आर सो क्लेवर। थैंक यू आदि। चुप कर यार, और स्पेशली इससे बात मत कर, ये सब कुछ इस मानव की वजह से। मैंने क्या किया यार? अबे तूने उस इंस्पेक्टर के सामने सब उगल दिया और वो हमें यार लटका के चला गया यार। तेरे हाथ में पिस्तौल थी, तूने क्या किया? मौत का खेल खेल, मौत का खेल, लटक गया सब। अबे वो तो मैं यूं, देखो यार अभी तुम लोग ऐसा झगड़ा करते रहोगे, मैं जा रहा हूँ यार। हिला नहीं वहां से, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। ए तेंदुआ वो देखो स्लोली स्लोली बड़ा भी हो रहा है। अबे स्लोली स्लोली बड़ा नहीं हो रहा है गधे, वो हमारे नजदीक आ रहा है। ओ खुदाई, ओ खुदाई, ओ खुदाई, ओ खुदाई, ओ खुदाई, ओ खुदाई, ओ खुदाई। देखो इतना पसीना क्यों निकल रहा है? अबे पसीना नहीं है, तेंदुए को देख के निकल गई है साले की। मारो पकड़ के, देखो हेलमेट, ए हेलमेट, अभी तू गीला हुआ है, ज्यादा हिलेगा तो पीला भी हो जाएगा। यहाँ से जिंदा बचे तेरा खून कर दूंगा मैं, देखना। अबे बकवास मत कर, तेंदुआ हमारे नजदीक आ रहा है, उसे उसे भागा भागा। कैसे? अबे शेर की आवाज निकाल, शेर की। अबे तू उसको भगा रहा है या खाने पे बुला रहा है? शेर की आवाज निकाल, शेर की। सीधा खड़ा रहे, माना भील मत, सब गिरेंगे। मेरी पैंट में कुछ घुस गया है। सब मरेंगे, मानव हेलमेट। बच गए।
वो साला इंस्पेक्टर वो तो अब तक काफी दूर पहुंच गया होगा। नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तेरे को कैसे मालूम? क्योंकि जब मैं बेहोश हुआ था तब। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना वो इंस्पेक्टर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पाइप बदलने में 15-20 मिनट लगेंगे साहब, तब तक आप सामान ढाबे पे चाय वाय पी लीजिए। जल्दी करना है यार। अभी करता हूं। कहा था ना कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे बहुत जोर से आइडिया आया है। एक काम करते हैं, उसकी गाड़ी लेके भाग चलते। गाड़ियों तो भागने की क्या जरूरत है? ये वो पॉइंट। इस बार वो इंस्पेक्टर हमें पकड़ेगा तो अलग तरीके से लटकाएगा, और इससे पहले कि वो हमें फिर से लटकाए हमें उसे अटका देना चाहिए। जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर आदि। इंस्पेक्टर रॉय। कहिए पाशा कहाँ है? पाशा? हाँ, वो आदमी जो उस गाड़ी में आया था। इस जीप में आया था? हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। उसने पहले हम पर जानलेवा हमला किया और फिर हमारी जिप्सी लेकर भाग गया। क्या कह रहे हो? जानलेवा हमला किया और फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? क्या? उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? 15 लाख? 15 लाख? सवाल के क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। और जो भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे सरकार से 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख? 15 लाख मुझे मिलेंगे। मैं पकड़ूंगा उसे। वो तो तुम लोग जिंदा बच गए। हम लोग तो बच गए पाशा, लेकिन कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते पाशा। पाशा? पाशा कौन? तुम पाशा। मैं पाशा? बोला ना, मैं पाशा। हाँ पाशा। Your game is over, पाशा। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? I'm इंस्पेक्टर कबीर। पाशा भाई, पाशा भाई, दुबई से कब आए? मैं पाशा नहीं हूँ। ओके। अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, इंस्पेक्टर आदि आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। आई लव इंस्पेक्टर आदि, आई लव इंस्पेक्टर रॉय भी है। भागो भागो। पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो, पकड़ लो पाशा को। 15 लाख? पकड़ लो। इंस्पेक्टर तुम्हारा मोबाइल है? भाई भाई रुक जाओ। वरना? वरना क्या? वरना नहीं है। क्या कह रहा है? सेंड बटन दब जाएगा और 10 करोड़ की सारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर चतुर्वेदी के पास पहुंच जाएगी। हाँ। कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है। हाँ। सिर्फ दबाने की जरूरत है। बटन। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। मेरे उंगलियों के रास्ते तुम्हारे पैरों के रास्ते से
ज्यादा तेज है। अरे रुक जाओ इंस्पेक्टर, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। समझ गया, यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज। देखो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, 80% 20%, 80% हमारा और 20% आपका। Yes. 20% मेरा जी। मंजूर है, मैसेज भेजूं? भेजूं? दे फोन इधर, मैसेज मैं भेजता हूं, दे। अगर मुझे 20% चाहिए होते तो मुझे तुम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी, मुझे वैसे ही मिल जाता। मैं गवर्नमेंट को 10 करोड़ के बारे में बता देता तो 20% ऑफिशियली मेरा, फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से मेडल, फिर टीवी और पेपर्स में इंटरव्यूज वगैरह वगैरह। मैसेज भेजूं? नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक और सोल्यूशन है। 60-40 करते, 60 हमारा 40 आपका, प्लीज दिस इज फेयर, हमारी बैंड मत बजाइए, कुछ तो छोड़िए हमारे लिए। डन, थैंक यू। 60 तुम्हारा 40 में जी। थैंक यू सर। थैंक यू। इस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए? 1.5 करोड़। वो कैसे? कैसे क्या, 10 करोड़ का 60% कितना होता है? 6 करोड़ बराबर, और 6 करोड़ की 1/4 क्या हुई? 1.5 करोड़। सिंपल है यार। ये चौथा हिस्सा कहाँ से आया? हाँ अरे 1, 2, 3 और ये चौथा है ना। तुम दोनों तो एक ही यूनिट है ना। पर वो तो मैं क्या, वो तो अबे कल रात को तूने गाड़ी में कहा था कि तुम दोनों एक यूनिट हो, इस हिसाब से 2-2 करोड़ 3 हिस्सों में ही बटेंगे, समझा क्या? हाँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा पैसे देने का टाइम होता है, लेने का टाइम नहीं होता है। हेडलाइट के 6,000 भरने थे तब तुम दोनों एक यूनिट थे, अब 6 करोड़ लेने हैं तब तुम दोनों अलग अलग हो गए, 2 यूनिट। अबे हट, 3 हिस्सों में पैसे बटेंगे, इसका एक मेरा और एक तुम दोनों का। हाँ उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? चुप, 1 करोड़ बस। 1 करोड़ कैसे यार, 1.5 करोड़ उसके, 1.5 मेरे, 3 करोड़ तो एक पैसा कम नहीं लेंगे हम लोग, बस बता रहा हूँ मैं। क्या 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 जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती तो। अरे है तो क्या मतलब, क्या है तो मतलब, फोन देता, एक मैसेज दबाता हूँ, कमिश्नर के पास जाएगा, समझा क्या? अरे एक मिनट, ये कमिश्नर बीच में कहाँ से आ गया? मेरी बात सुनो, अकलमंदी इसी में है कि तुम सब पैसे इक्वली बांटो और जल्दी करो। उस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए? सबके 1.5 करोड़ हुए और तुम्हें मंजूर है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे पापा के गाड़ी के 9,47,000 रुपए अलग से चाहिए। अरे मगर क्या मगर, मुझे ये पैसे 1.5 करोड़ से अलग चाहिए और तुम सबसे। ठीक है रख ले। अरे हलवाई रख ले। अबे बमन, जब तेरे बाप ने तुझे घर से लाख मार के बाहर निकाला था ना, तब मैंने तुझे पाला पोसा, तेरा रेंट भरा, नहीं नहीं करके उसका 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है, वो भी जोड़ रहा है तो वो भी जोड़ना, जो मैंने तुम लोगों को दारू पिलाया, खाना खिलाया, याशी कराई, 80-90 हज़ार तो उसका भी होता है, जोड़ो। साले कर ली ना छोटी बात, दिखा दी ना अपनी औकात तुम लोगों ने। तू कौन से शहंशाह की बात कर रहा है, भिखारी की औलाद? साले तूने मुझे भिखारी की औलाद दिया। साले तूने मेरे को धक्का मारा। अबे दोस्त हो के आपस में लड़ते हो, भाड़ में गई दोस्ती। हाँ भाड़ में गई साली दोस्ती। अबे गधे, मेरे को नहीं, इसको मार। अबे फटीचर बॉक्सर शांति से बैठकर फैसला करो, चलो। फैसला हो गया, जो पहले गोवा पहुंचा 10 करोड़ उसके खत्म। तू क्या पहले पहुंचेगा भिखारी की औलाद? तेरी तो उड़ के जाया क्या? गाड़ी की तो बैंड बजा दी हमने। चुप ऐसे भाड़ दे, नजर चूक नजर ले जाए। मेरी जीप लेके जा रहे, तेरी तो। हे इंस्पेक्टर भी भाग गया। तू कहाँ भाग रहा है बे? मेरा पकड़, मेरे को क्या, गधे के बच्चे मेरे को क्या पकड़ रहे? उसको पकड़, हट हट, उसको पकड़, चल यहाँ पे। वो तो गया। करोड़ चाहिए सालों को, 10 रुपए देके नहीं हराम खोरों ने। 10 साल लगाए मेरे पोस्ट के पीछे, देखता हूँ ये पैसे को कौन हाथ लगाता है। देखता हूँ पैसा हमसे कौन लेता है, और 10 करोड़ हम लेके छोड़ेंगे। आजी, हाँ
7 करोड़ ले लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। चुप। साला, तू अपना माल समझ के रखा है? मैं एक महीने लड़ लूंगा। अरे रुक,